से मगर वो चेहरा नहीं देखा जिनकी आवाज दिल में उतरती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट वहीदा नाज कुछ दिल से मैं आपके लिए हमेशा की तरह आज एक ऐसी पर्सनालिटी लाई जिन्हें आपने सुना बहुत होगा, बहुत चाहा होगा कि उन्हें देखे पर देख नहीं पाए। आज मैं जो पर्सनालिटी लाई हूँ वो FM 105 के RJ अब्दुल गनी अंसारी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले क्योंकि आप बिल्कुल ऑन स्क्रीन फर्स्ट टाइम है, आपने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, बिल्कुल आपका फर्स्ट टाइम है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस अभी यहाँ बैठे आपकी क्या फीलिंग्स आ रही है? नहीं वैसे तो इंटरव्यूज कई दिए लेकिन कैमरे के सामने पहली बार, आपका फर्स्ट टाइम है, जैसे कि होता है बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, थोड़ी सी वो है, वरना फील्ड से ताल्लुक है, मीडिया से ताल्लुक है, ऐसा कोई खास फीलिंग्स नहीं है, कोई घबराहट वगैरह नहीं है। बचपन से आरजे बनने तक का आपका लाइफ पीरियड क्या था? दरअसल मैं सच्चाई के साथ आपको ये बताऊं कि मेरा ताल्लुक है एक बहुत गरीब घराने से, लेकिन मैं इस पर कभी शर्मिंदा या पशमान नहीं रहा कि गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है। ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है कि वो किसे कहाँ पैदा करता है। तालीमी हवाले से ये रहा कि जिस ज़माने में हम स्कूल में दाखिल हुए उस ज़माने में बच्चे अमूमन 8 साल 10 साल में, आज का तो 3 साल का बच्चा भी स्कूल में होता है या 2 साल 2.5 साल का बच्चा भी, तो हमारे ज़माने में क्लासें हुआ करती थी कच्ची पहली और पक्की पहली। तो मैं पक्की पहली में ही था कि जब मेरे वालिद को TB हुआ, 50 की दहाई की बात है जब वो माइग्रेट करके आए, तो अबू की जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, कफालत का ज़रिया ज़ाहिर है अबू बेड पे आ गए, तो 7 साल का जब मैं था तो मेरी वालिदा ने मुझे कालीन के काम पे, वो जो कालीन बाफी का काम होता है उस पर मुझे बिठाया, और 7 साल की उम्र से आज अल्हम्दुलिल्लाह 43वें साल में हूँ। तो हमारे आबा अजदाद कपड़े के काम से मुंसलिक, कपड़ा बाफी यानी कपड़ा बनाने के काम से मुंसलिक, लेकिन जिस महल्ले में हम रहते थे और मेरी जो उम्र थी, 7 साल का बच्चा कपड़ा नहीं बना सकता, तो मुझे कालीन के काम पे बिठा दिया गया। 2-4-6 महीने सीखने के अमल से गुजरा, उसके बाद मेरी तनख्वाह लग गई महीने की और उसी तनख्वाह से हमारे घर का गुजर औकात होता था। तो आपने एजुकेशन वगैरह कोई? तालीमी हवाले से बिल्कुल ना ही अपने आप को बदनसीब कहूँगा ना ही खुश नसीब कहूँगा, मेरे रब का बहुत करम रहा मुझ पर कि तालीम तो हासिल नहीं कर सका। तो आप RJ बने, तो आपको कोई म्यूजिक से लगाव था या आपने बहुत ड्रामा फिल्म्स वगैरह बहुत देखी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे अब इस फील्ड में जाना चाहिए? मैं शरीर बहुत रहा बचपन से, कालीन का काम भी कर रहे हैं और तफरीह तबा का सामान के रेडियो लगा लिया, तो बचपन से रेडियो सुनना, फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना, ये 3 मशागिल मेरे। सर आपने अभी कहा कि आप कालीन का काम भी करते हैं, क्रिकेट भी बहुत शौक से खेला करते थे और म्यूजिक में भी आपका काफी रुझान था, तो आपने RJ क्यों बना, आप म्यूजिक की तरफ ही क्यों गए, आपको क्यों लगा कि मेरे लिए फील्ड अच्छी है, क्रिकेट की तरफ क्यों नहीं गए? मैं यहाँ भी इत्तेफाक यही गया, बाकायदा प्री प्लान नहीं गया, वो एक शेर मुझे याद आया कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो शायद कहीं परवरिश हो रही थी RJ बनने की, तो RJ बन गए, अदरवाइज रेडियो सुना करता था, फिर हैदराबाद में FM रेडियो लॉन्च हुआ तो FM पे मैसेजेस लिखवाना और लाइव कॉल्स पे गुफ्तगू करना, तो लाइव कॉल पे गुफ्तगू हुआ करती थी, फिर FM 101 के बाद FM 105 लॉन्च हुआ, तो इत्तेफाक से सच ऑफ हार्ट FM 105 का पहला लाइव कॉलर भी मैं ही हूँ। अच्छा सर, आपको फर्स्ट टाइम मतलब कब ऑडिशन आपने दिया या किस तरह आपको हुआ कि अब मुझे ऑडिशन देना चाहिए, किसी ने कहा आपसे, किसी ने ऑफर किया? मैंने कहा ना कि मुझे हमारी जो RJ का टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेटर जो थी, उन्होंने मुझसे कहा गनी भाई आप ऑडिशन दीजिए, तो तौसीफ फातिमा उनका नाम मैंने, और तौसीफ मेरे पास तालीम भी इतनी नहीं है, ग्रेजुएट और मास्टर चाहिए होते हैं आपके लिए, बोले गनी भाई बस आप कोशिश करके हो देखें, सो मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि पहले ऑडिशन में मैं फेल हो गया, मुझे शर्फ हासिल है कि हैदराबाद ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से बहुत बड़ा नाम इनायत बलोच साहब, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने, फिर चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सचल का पहला लाइव कॉलर, तो गिफ्ट देने के लिए उन्होंने सचल पे बुलाया कि आप उन्हें एक वाइटल टी का टिन पैक मुझे गिफ्ट किया। सर टी से याद आया थोड़ी आपके लिए, थैंक यू। अच्छा
फिर सर? तो उन्होंने कहा दोबारा ऑडिशन दीजिए। इनायत बलोच साहब ने मुझसे मशागिल पूछे। मैंने सर रेडियो सुनना और क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, और अब शौक पैदा हो गया कि आरजे भी बन जाऊं। मैं ऑडिशन दीजिए, मैंने बताया सर मैंने ऑडिशन दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन्होंने कहा आप दोबारा ऑडिशन दीजिए। अच्छा ये वाक्य अभी ऐसा कि उन्होंने इनायत बलोच साहब ने कहा कि हम जब किसी को पहले मरतबा रिफ्यूज़ कर देते हैं उसको दोबारा ऑडिशन नहीं देते हैं, लेकिन आप खुश नसीब हैं हम आपको दोबारा ऑडिशन लेंगे। अरे जब दोबारा ऑडिशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सचल हॉट एफ एम और भाई से फ़ोन आया, जो हमारे आजकल स्टेशन मैनेजर हैं इरशाद अली खान, उनका फ़ोन आया कि आप पहले ऑडिशन में कामयाब हो गए हैं और आप प्रिपरेशन कर लें और अगले दो तीन ऑडिशन और होने हैं। अब टॉपिक्स इतने हैं दुनिया में, कितनी प्रिपरेशन करें? तो मैंने सर इरशाद अली खान को यही कहा, मैंने सर मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, बस आप मुझे डेट बताएं मुझे दोबारा कब आना है। सो मैं गया और अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया। अच्छा सर आप सेलेक्ट हो गए, तो सेलेक्ट होने के बाद आपको आपका जो फर्स्ट जो आपका शो था वो कौन सा था, किस नाम से था, और आपका मनपसंद था या नहीं था? नहीं मनपसंद तो यूँ कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान होने के नाते चूंकि मेरा शो ऐसा था, मुझे पहली ही मरतबा भिड़ते ही मुझे प्रोग्राम दिया गया, इस्लामी प्रोग्राम जो आजकल ओएस मतीन करते हैं हमारे यहाँ राह फलाह के नाम से। तो मेरा पहला क्वार्टर था, मेरा पहला शो दीनी फितरत के नाम से दीनी प्रोग्राम किया। अच्छा चूंकि मेरी अपनी जो लाइफ है वो सोशल लाइफ है, तो हमारे महल्ले की जो मस्जिद है उसमें मैं उसके जो कमेटी है उसका भी रुकन रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा तकरीबन 10-11 साल, और जो नाथवानी के प्रोग्राम या और दूसरे दीगर मजहबी प्रोग्राम्स होते थे तो मुझे शौक था, तो मैं उनके प्रोग्राम उन प्रोग्राम की होस्टिंग भी नहीं किया करता था इस्लामी प्रोग्राम की। चूँकि मुझसे पूछा गया था कि और क्या क्या कर लेते हैं आप, तो मुझे पहला प्रोग्राम जो है वो सर आपने इस्लामी प्रोग्राम की होस्टिंग कितने अरसे तक की? तकरीबन 4 माह। और अभी भी गाहे बगाहे जब हमारे जो इस्लामी प्रोग्राम्स के आरजेज हैं वो नहीं आते हैं तो फिर मुझे इस्लामी प्रोग्राम जैसे कि ये शबे बारात या शबे कदर या रमजान मुबारक के प्रोग्राम या रबी अव्वल के या महरमुल हराम के प्रोग्राम्स होते हैं तो अभी मुझे दिए जाते हैं। अच्छा सर आपने कहा कि आपका जो फर्स्ट शो था वो इस्लामी था, तो इस्लामी शो से डायरेक्ट म्यूजिक की तरफ आना? अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान है, हमें नमाज पढ़नी है, जो अहकामात इलाही हैं वो अदा करने, अदरवाइज फिर इस दुनिया में रहना है, जो इस दुनिया के जो उमूर हैं वो भी हमने लेके चलना है, फिर म्यूजिक तो जब आपको एक इस्लामी प्रोग्राम मिला तो कहीं ना कहीं तो दिल में आया होगा कि काश मुझे म्यूजिक का मिलता। सोच के गया था, सोच के गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी इक्तदा जो करवाई वो अपने प्रोग्राम से करवाई कि नहीं आप पहले ये दीनी प्रोग्राम कीजिए उसके बाद आप उस तरफ आइए। तो पहले 3-4 माह एक क्वार्टर मैंने दीनी प्रोग्राम किया उसी उसने हमें। अच्छा हाँ एक मुझे फिर 3 या 4 महीने के बाद 1.5 साल का गैप आया, मुझे फिर सचल पे प्रोग्राम्स नहीं मिले, मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया, रिफ्यूज में पूछता रहा कि सर मुझे बताएं आखिर ऐसा क्यों, कोई रीज़न नहीं बताया गया, और तकरीबन 1 से 1.5 साल में अलग रहा। तो आपको फील हुआ कि शायद मेरी इस गलती की वजह से इन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया? मुझे तो फील नहीं हुआ, मैं उनसे पूछता भी रहा कि सर आखिर कौन सी कमी है मुझ में, कहां मुझसे कोताही हुई है, कहां मुझसे गलती हुई है। 4 महीने करने के बाद आप एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, उसके बावजूद भी निकाला गया? फिर वो टर्निंग पॉइंट आया, फेयरवेल पार्टी हुई हमारे यहाँ स्टेशन पे, अलविदाई पार्टी, 1.25 साल के गैप के बाद जो हमारे सचल के ऑनर है वो भी आए हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि गनी क्या कर रहे हो आजकल, मैंने सर बस 1-1.5 साल हो गया मुझे निकाल दिया गया है, और जो मेरा आबाई पेशा जैसे मैंने बताया कपड़ा बनाने के काम से अब मैं वाबस्ता हूँ। अगर मैं आपके आरजे की तरफ आऊँ तो जाहिर सी बात है आपको रिक्वेस्ट आती होंगी, कॉल्स आती होंगी, मैसेजेस आते होंगे, तो कभी कोई ऐसा लिसनर आपको कहने टकरा है कि आपसे कोई ऐसी बात कह गया हो जो आपको नागवार गुजरी हो? अक्सर औकात ऐसा होता है क्योंकि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग हमें सुन रहे होते हैं, पढ़ा लिखा तबका भी हमें सुन रहा होता है, गांव देहात में इंटीरियर में भी हमें लोग सुन रहे होते हैं, तो जो बंदा जिस शोबे से जुड़ा हुआ होता है या जिस जगह रह रहा होता है उसी अंदाज की उसकी सोच भी होती है, वही उसका अंदाज गुफ्तगू भी होता है। तो बहुत सारे प्रोग्रामों में बहुत सारे रिसर्च बड़ा तंग करते हैं, लेकिन हमने माइक्रोफोन के सामने बहुत ज़्यादा तहमुल मिजाजी और कूल माइंड होके प्रोग्राम करना पड़ता है, लेकिन ये है कि कभी कभी लोग तपा देते हैं से ऐसा निकल जाता है मुंह से, लेकिन फिर वही एक बात है कि मैं एक शेर पढ़ता हूँ मेरे अनीस का कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हर दम, अनीस ठेस ना लग जाए आप गीनों को। तो ये जो दिल होते हैं ना, हम आरजे हैं या हम फनकार लोग हैं, हमें पता है कि
किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जो ही मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ कोई ऐसा जुमला निकल जाता है, उसी वक्त मैं अपने आप को, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगता है, और मैं उसी लम्हे फिर अपनी गुफ्तगू के जरिए अपनी उस गलती या अपने उस गुस्से को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा कोई लिसनर मुझसे नाराज नहीं हुआ। अच्छा सर, कोई ऑनलाइन ऐसा लिसनर आपका जो है आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता हो, आपसे कहा हो कभी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, चाहे आप मुझे दो पद क्यों ना दें, तो कभी आप ऐसे लिसनर से मिले हैं? और अगर मिले हैं तो कहाँ आपने लुटाएंगे, मतलब स्टूडियो में बुलाया है या किस तरह से? ये शोज है ना वहीदा, ये आप जब आओगे ना फील्ड में तो बड़ी जालिम दुनिया है, बहुत प्यारे लोग भी बिल्कुल इस मुआशरे की मानिंद है। तो मैंने कभी भी अपनी गर्दन में कलफ नहीं लगाई या अपनी सोच में कलफ नहीं लगाई, क्योंकि हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और आम से इंसान हैं। आज ये माइक्रोफोन या ये स्टूडियो या आरजे वगैरह, हम 2 साल 3 साल 4 साल तो मेरी आम जिंदगी है, फकीरों वाली जिंदगी है। वो एक शेर है, मेरी तबीयत की तर्जुमानी करे शायद, कि बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीब उलवतनी होती है। तो मैं ना ही अपना वो वक्त भूला हूँ और मैं मिलता हूँ। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि गनी भाई कुछ करोफर लाएं अपने अंदर, कुछ आरजे वाली बातें लाएं, कुछ इतराएं, मत मिला करें लोगों से। लेकिन मुझे आम रहना अच्छा लगता है, मैं आम हूँ। आप अपने लिसनर्स, अगर आपके जो अभी लिसनर्स सुन रहे हैं, हो सकता है जब आप वापस से अपने शो में जाएं सैटरडे को करें तो काफ़ी लिसनर्स ऐसे हो जाएं आपके कि आपसे मिलने की चाह रखें, उन्हें मालूम ना हो कि आप भी टाइम देते हैं, आप एज अ आरजे उन्हें ट्रीट नहीं करते या नहीं करेंगे, तो अगर वो आपको टाइम देंगे तो रेडियो का एक फलसफा है। हमारे जो स्टेशन मैनेजर रशीद अली खान साहब, उन्होंने बताया कि रेडियो का जो आरजे हो या एंकर हो या प्रेजेंटर हो, वो लोगों से ना मिले तो अच्छा है। हमने पूछा सर बचा, उन्होंने कहा देखें आपकी आवाज, आपका लबो लहजा, आपका अंदाज, आपकी गुफ्तगू आपकी शख्सियत बना रहा होता है। अब न जाने कोई लड़की है, कोई औरत है, कोई लड़का है, कोई मर्द है, कोई नौजवान है, कोई बूढ़ा है, वो आपके लिए तखयल में क्या तस्वीर बना रहा है। अगर उसने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे रख ली है या आपको बहुत ज्यादा हीरो समझ लिया है और अब जब आप उससे मिलते हैं तो वो बहुत टूट फूट हो जाएगी उसके अंदर ना। तो रेडियो में कहते हैं कि ना मिले तो अच्छा है, लेकिन मैं मिलने से कोई गुरेज नहीं करता, नहीं मिल जाता, चल जाता है, क्योंकि इसी माशरे में रहना है, इसी दुनिया में रहना है। अच्छा सर, क्योंकि आप आरजे हैं तो म्यूजिक से आपको ऑफकोर्स लगाव है, तो आप बहुत जुनून की हद तक, तो आप आज थोड़ा सा गुनगुना के कुछ सुनाएंगे, कुछ भी जो आपका फेवरेट हो। तो ये तो तय नहीं था क्या? मैं आरजे हूँ, सिंगर नहीं हूँ, डांगे करवाएंगे मुझसे? सिंगर नहीं है, लेकिन काफी अर्सा आपने अपने आरजे को दिया, काफी टाइम पीरियड आपने आरजे को दिया, मींस आपने म्यूजिक क्यों दिया? सॉन्ग्स जो चला रहे होते हैं उनके साथ तो गुनगुना लेता हूँ। और वो जो गुनगुनाते हैं ना आज, वही दो लफ्ज जरा यहाँ पर भी गुनगुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिसनर्स भी आपकी आवाज सुनना चाहेंगे। वैसे तो मेरी फेवरेट जो सिंगर हैं ग्रेट मेहदी हसन खान साहब हैं, और उनका गाया हुआ सॉन्ग है फिल्म जिंदगी कितनी हंसी है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के सुनाता हूँ। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। काफी टांगे तोड़ ली मैंने। नहीं नहीं सर, माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आवाज है, जिनको म्यूजिक से प्यार होता है ना उनकी आवाज में खुद ही मिठास आ जाती है। बस ये दो बातें हैं, जो लोग हमें अच्छे लगते हैं ना वहीदा, तो उनका हर अंदाज हमें अच्छा लगता है।
तो शायद मेरे लिस्टर मुझे बहुत प्यार करते हैं तो मेरा हर अंदाज उनको भाता है, शायद ये वाला अंदाज भी भा जाए, तो अदरवाइज गाना हर एरे गहरे के बस की बात है। आजकल तो खैर कुछ चले छोड़े। अच्छा सर, अभी आपका जितना भी टाइम पीरियड गुजरा है अपनी लाइफ का, उस हवाले से कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जिसे आप मैसेज के तौर पर या कुछ ऐसी बात जो अपने व्यूवर्स को आप कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए। एक कथा है, वो मैं कहता हूँ कि अगर जिंदगी में इस बात को हम शामिल हाल रखेंगे तो कभी नहीं टूटेंगे। खिजा से सीना भरा हो लेकिन एक ये मैसेज भी है और एक कथा भी है कि खिजा से सीना भरा हो लेकिन तुम अपना चेहरा गुलाब रखना, खिजा से सीना भरा हो लेकिन तुम अपना चेहरा गुलाब रखना, तमाम ताबीरें उसको देना और अपने हिस्से में ख्वाब रखना, हर एक जमी से हर एक जहां से हर आसमां से गुजरते रहना, कहीं पे तारे बिखेर देना, कहीं कोई महताब रखना। बहुत जबरदस्त। हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम। आज मैंने आपको जिस पर्सनैलिटी से मिलाया, आइंदा भी आपकी मनपसंद पर्सनैलिटी आपके सामने होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ दिल से मैं वहीदा नाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।